नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का पुष्पिता सिंह के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आड़ी फिश की करी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेते हैं पहले आड़ी फिश। इसको अच्छे से काट कर धो लेते हैं। अभी एक बाउल ले लेते हैं, उस पर आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी चावल के पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। इस पर थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छे से घोल लेते हैं और इसको मछली पर अच्छे से लगा लेते हैं। मछली के चारों तरफ अच्छे से लगाना है। अभी इसको फ्राई करें। ये देखिए, अभी इसको थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ पलट देंगे और जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इससे बनाकर खाएंगे तो आप लोग बार बार बनाते रहेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन हो चुका है। अभी इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और ये आप लोग ऐसे भी पकौड़े की तरह खा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। अभी ले लेते हैं दो हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, एक प्याज, दो तीन लहसुन के दाने, एक टमाटर और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं। अभी इसको उसी कढ़ाई पर डाल देंगे और दो मिनट तक चलाते रहेंगे। उसके बाद इस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें से ऑयल छोड़ना। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें से ऑयल छोड़ चुका है। अभी इस पर पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे और उबाल आने के बाद इस पर जो मछली फ्राई करके रखा था वो इस पर डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर तक पकाने के बाद ये हमारा आड़ी फिश करी बनके तैयार हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा धनिया काटकर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नया कुछ रेसिपी लेकर। तब तक के लिए आप लोग आपका ध्यान रखिएगा।